You can make money or you can make excuses, but you cannot make money by making excuses. Hello friends, मैं कोमल आउटी NLP and Finance Coach आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में. और इस वीडियो के साथ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ. जिंदगी में फ्रेंड्स या तो हम एक्सक्यूजेस बहाने बना सकते हैं या तो हम पैसे कमा सकते हैं, बट ये हमेशा याद रखें कि हम बहाने बना बना के कभी धन नहीं कमा सकते. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपको हेल्प करेगा सक्सेस की तरफ जाने के लिए. और जो भी कोई एक्सक्यूजेस आप अपनी लाइफ में बना रहे हैं सिचुएशंस को लेके, जो भी कोई पैंडेमिक को लेकर, वो आपको हेल्प करेगा ये सीक्रेट उसे ओवरकम करने के लिए. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है, फर्स्ट पे योर सेल्फ फर्स्ट. चाहे कैसी भी सिचुएशन रहने दीजिए फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखे कि जब भी हम एक इनकम मोड पे रहते हैं हमें सबसे पहले खुद को पे करना आना चाहिए. जैसे कि हम अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम हमेशा बिजी होते हैं हमारी स्टाफ की सैलरीज करने में, हमारे ऑफिशियल एक्सपेंसेस करने में, और फिर कब जब जाके हमारा नंबर आता है खुद को पे करने के लिए. बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लाइफ में टॉप रैंकर्स में जाना है, अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो है कि आपको सबसे पहले खुद के नाम का एक पे चेक बनाना पड़ेगा. दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. आपको खुद को पहले पे करना पड़ेगा, बाकी की चीज़ें आप करेंगे बाद में. दूसरी चीज़ जो आप करेंगे वो है कि गेट हेल्प फ्रॉम माई मेंटोर. फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखें कि आप जिस भी किसी फील्ड में हो, जिस भी किसी बिजनेस में हैं, हमेशा हमारे पास एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो हमें समय समय पे गाइड करे, जो हमें समय समय पे बूस्ट करे. क्योंकि हमारे बिजनेस में हमेशा कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जिसके वजह से हमारा मोरल डाउन होता रहता है. बट एक मेंटोर क्या करता है, एक मेंटोर हमारी हेल्प करता है हमें उन सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए. अगर कोई सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो वो हमारी स्किल्स अपग्रेड करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. तीसरी चीज़ जो आपको हमेशा करनी है कि पुट योर मनी टू वर्क. ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम एंटरप्रेन्योर्स कर देते हैं कि ये कि जब भी हम कुछ धन कमाते हैं हम उसे कबर्ड में रख देते हैं या तो फिर बैंक में सेव कर लेते हैं. बट ये हमेशा याद रखें कि आप हमेशा जितना भी ज़्यादा काम करेंगे आप खुद हो के अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि जब आप आपके कमाए हुए धन को काम पे लगाएंगे तब जाके आप अमीर हो पाएंगे. तो ऑलवेज मेक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. ऑलवेज जब भी कोई आप इन्वेस्ट धन कमाते हैं तो मेक श्योर कि आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, सो दैट वो पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करते रहे. दिस इज़ द मेन सीक्रेट ऑफ रिच जो वो लोग फॉलो करते हैं. फोर्थ चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि स्टॉप बाइंग लाइबिलिटीज़. ये तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिफरेंस क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में. सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये हमेशा याद रखें कि एसेट्स वो होते हैं जो हमारे पॉकेट में पैसे डालते हैं, और लाइबिलिटीज़ वो होती है जो हमारे पॉकेट से पैसे लेकर जाती है. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एसेट्स में फोकस करना है, ना कि हमारे लिए लाइबिलिटीज़ पे. और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हर एक की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस एंड देयर रेजिग्नेशंस. फिफ्थ चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि इन्वेस्ट इन थिंग्स विच यू नो. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, बट उन्हीं जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जो चीज़ें आपको पता है, जो जगह आपको पता है. ब्लाइंडली किसी की भी बातों में आके इन्वेस्टमेंट्स ना करिए. ये हमेशा याद रखें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये टाइम पे करनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के नॉलेज लेने हैं, सो दैट यू नो वेयर यू आर गोइंग टू पुट योर मनी एंड फ्रॉम वेयर योर मनी इज़ गोइंग टू मेक मनी फॉर यू. फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट वो है एलिमिनेट एक्सक्यूजेस. जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एक्सक्यूजेस बना के आप लाइफ में कभी धन नहीं कमा पाएंगे, तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़िए.
अभी जैसे कि ये सिचुएशन चल रहा है कि पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, आप कुछ काम नहीं कर सकते, बट आप वो भी लोग देखिए जिन्होंने इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है. देर इज़ नो टाइम व्हेन यू कैन स्टॉप अर्निंग. देर इज़ ऑलवेज, एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू मेक मनी फ्रेंड्स. इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू मेक एक्सक्यूजेज और यू मेक excuses और you make money. तो friends, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि जितने भी top के लोग हैं वो situations का रहा नहीं देखते या situations पर depend नहीं होते, बल्कि वो हमेशा situations के ऊपर solutions निकालते हैं ताकि वो life में हमेशा आगे बढ़े. तो friends, this is a very good right time कि आप life में आगे बढ़ सकते हैं, खुद को upgrade कर सकते हैं. जो भी मैंने आपको 6 tips दी है उसके ऊपर आप upgradations ले सकते हैं और खुद को रिच बनाने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. देखा जाए तो ये हमारा एक प्रिपरेशन टाइम है जहाँ पे हम खुद को अपग्रेड करके, हमारी स्किल्स को अपग्रेड करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं कोमल आउटी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू सो मच.